हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका न्यू ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी आप मेरे पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं रामकथा कुंज। और मैं बता दूं, मैं अभी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो नगरी है अयोध्या, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर अपने राम मंदिर के लिए मूर्तियाँ बनकर यहाँ से तैयार होकर राम मंदिर के लिए जाएगी। और मैं आपको कुछ टाइम अगर आप देखेंगे और ऐसी जो कलाकारी इनकी और इनकी जो मेहनत आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि पीछे की तरफ आप जो मूर्तियां देख रहे हैं, इन मूर्तियों के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, जान। और मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भगवान श्री राम के यहां पर नगरी के अंदर और उन्हीं के चरणों के अंदर आकर यहाँ पर भगवान श्री राम की जो मंदिर के लिए मूर्तियाँ हैं वो तैयार कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों बन रहे हमारे इस वीडियो के साथ में, और आप अगर हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप अगर राम भक्त है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ यहाँ के जो भैया है, वो अभी यहाँ पर मौजूद है और वो अभी काम पर लग रहे हैं, तो मैं उनसे 2 मिनट लेना चाहूँगा क्योंकि उनके लिए समय बहुत अनमोल है। तो बने रहे आप हमारे साथ में। भैया जी पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रंजीत मंडल और मैं आसाम सिलचर इटखोला रामकृष्णपल्ली में रहता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? ऐसा है कि मैं 1997 में एक बार वहाँ पर आसाम वेद विद्यालय में एक वेदव्यास की मूर्ति बनाए थे, तब माननीय अशोक सिंगल जी मुझे मतलब VSP मेन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमको वहाँ से ले आए थे दिल्ली में 1997 में। तो 1997 के उसके बाद मैं कोई जगह मूर्ति बनाने के लिए हमको भेजा गया था, और सुवालाक मूर्ति कुंभ मेला में भी 2006 में भी बनाया था। ऐसे करते करते भारत में कोई जगह मूर्ति बनाने के लिए हमको भेजा गया था। और अंत में 2013 में यही राम मंदिर के लिए रामकथा कुंज निर्माण करने के लिए ये मूर्तियाँ बनाने के लिए हमको आदेश दिए माननीय अशोक सिंगल जी, जो पुत्राष्टी यज्ञ से एकदम राज्याभिषेक तक ये मूर्तियाँ निर्मित होगा, जो हमारा सीताहरण तक हमारा निर्माण हो चुका है। इसमें एक एक प्रसंग में चार चार पाँच पाँच मूर्तियाँ बनता है, जिसमें रामायण का मैंने राम जी के बाल्यकाल से एकदम राज्याभिषेक तक बनेगा, जो ये राम मंदिर में लगेगा। राम मंदिर के जो एक सेट बनेगा उसी में ये राम मंदिर दर्शन करके इस सेट में मूर्तियाँ रहेगा, जो भक्तगण दर्शन करके उसके बाद निकलेंगे। तो राम मंदिर में यही से मूर्ति जाती है पूरी, है जो बनती अभी है? गया नहीं, अभी जाने का चंपत जी का आदेश होगा तो ये जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मेरा पिताजी मेरा सहयोग कर रहे हैं 2015 से, तो पिताजी हमको रहने से हमको बहुत कार्यों में जल्दी हो रहा है। अच्छा, आपके जो पिताजी यहीं पर है अभी, है ना? जी पिताजी ये, अच्छा, तो ये पिताजी आपके है ना? जी जी, साथ में वर्क करते हो? वर्क करते हैं पिताजी, मैंने मूर्ति कला में नहीं है। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमको सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी, और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप भगवान के नगरी के अंदर भगवान के चरणों में ही और भगवान की मूर्तियों का विकास कर रहे हैं, जिनको लोग आने वाले समय में आपके हाथों से बनाई गई मूर्तियों को लोग पूजेंगे। तो मैं आपके तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपको, आपका भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी।
थी मैंने। और मैं अभी इनके पिताजी, इनसे थोड़ी सी आपकी बात करवा देता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि देखो भगवान की जो नगरी के अंदर वो चीज़ ऐसी कलाकारी और किसी इंसान के द्वारा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक महत्वपूर्ण वह वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ में। तो दोस्तों मैं अब बात करवा रहा हूँ उनके पिताजी, जो उनके साथ यहीं रहते हैं और उनका हाथ भी बटाते हैं, और लगभग लगभग यहाँ मूर्तियों के अंदर इनका काफ़ी योगदान रहा है। तो आप कुछ बताएंगे हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं उनको? कोशिश करते हैं वो जो भक्तगण है वो देखेंगे तो लोग वो लोग ही बताएंगे कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। वो लोग अच्छा बोलेंगे तो हमारा मन खुश हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही है, हम लोग कोशिश करते हैं जो अच्छा से अच्छा बने। बिल्कुल सही बात है। तो धन्यवाद अंकल जी आपको बहुत बहुत, हमारे को आपने टाइम दिया कुछ समय के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और अभी हमारे इस वीडियो के अंदर आप बने रहें और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना है आपको, क्योंकि यहीं से जो मूर्तियां हैं आपको देखने को मिलेगी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है वहीं पर यहां से मूर्तियां बनकर जाने वाली है कुछ समय बाद में। तो बने रहे आप हमारे साथ में।